क्रिकेट खेलने के बाद ये फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म ये आप कैसे संभालते हो क्योंकि कई बार ऐसे रन होते हैं कि बल्लेबाज आराम से कर जाता है कई बार माथा पक्का तो भी दस रन नहीं होते तो के राहुल जैसे क्लासिक प्लेयर के लिए अगर हम देखें तो इसको आप कैसे संभालेंगे क्या कहोगे फॉर्म में रखना कैसा होता है और फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म से बाहर आना आपके लिए कैसा होता है सर फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म की एक ही चीज़ मेरे जहन में आती है ये वही गाना है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना तो जितना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पेशस है आ, क्रिकेट सेटअप के बाहर लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के अपने आइडियाज़ चल रहे होते हैं कि प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होगा तो और वो जजमेंट बन जाती है और लोगों को बहुत शौक हो गया क्रिटिसिज्म सुनने का रेगुलरली तो कोई प्लेयर नीचे होगा तो बहुत मज़ा आता है लोगों को उसको और नीचे गिराने में बट टीम के अंदर हमको समझ आता है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है जो प्लेयर इंडिविजुअली थोड़े मुश्किल फेज से गुजर रहा हो ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं बस मेंटल क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है उस समय पे और उसी समय में अगर आपको ये भी पता है कि दुनिया में क्या बात हो रही है आपको बोला जा रहा है आप आउट ऑफ फॉर्म हैं तो वो एक और एक्सटर्नल फैक्टर आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं क्रिकेट सिंपल गेम है आपको बॉल को देखना है रिएक्ट करना है बॉल को मारना है और एक एक मोमेंट में खेलने वाला गेम है और ये सब बाहर की बातें मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम फालतू बातें मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई करियर टू द लास्ट डे ऑफ माई करियर ये सब बाहर की बातें मेरे लिए हमेशा और हमेशा फ़ालतू बातें रहेंगी कौन किस वजह से बोलता है किसी प्लेयर के बारे में उसके पीछे क्या मोटिव है क्या उसका सोच चल रही है वो किस वजह से बोल रहा है किसका माहौल बनाया जा रहा है ये सब चीज़ें बाहर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है टीम के अंदर ना तो हम आने देते हैं और ना फ्यूचर में भी आने देंगे हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छे मेंटल स्पेस में रखें